हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास सोलेनोइड गिवन हो, है ना, करंट कैरिंग सोलेनोइड गिवन हो, तो उस सोलेनोइड में कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और क्यों होगी। ठीक है, तो देखो ये हम कंसीडर कर लेते हैं एक करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि बताओ कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तो फिर ये जो इस सोलेनोइड का आपको सेंटर दिख रहा है, सोलेनोइड का जो ये सेंटर आपको दिख रहा है, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है बाबू, वो मैक्सिमम होती है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो जो सेंटर से ये लाइन आपकी पास हो रही है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और हर पॉइंट पे, है ना, इस सोलेनोइड के अंदर में हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। क्लियर। अब आपको पता है कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ क्लोजनेस, है ना बाबू, डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है इस केस में हर जगह सेम है, बट जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, सोलेनोइड से बाहर जाती हैं, तो आपको ये अच्छे से पता है कि ये इस तरीके से डाइवर्जेंट हो जाती हैं। इस डाइवर्जन की वजह से यहाँ पे डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे एंड पे या एंड के बियॉन्ड मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हो जाता है, और डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है बाबू, कहाँ पे, एंड पे, वो टोटल जो इनर में था, है ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था, इसका हाफ हो जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है सोलेनोइड के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, है ना, और दूसरा इसके एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि एंड पे मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस का मतलब बाबू डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस देख सकते हो, यहां पे इतना एरिया में इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पे एरिया कम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही है। क्लियर, ओके। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है और एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डिक्रीज हो जाती है। कितनी होती है यहां के सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको बताया, ये क्लास 12th में हम जानेंगे, चूंकि वहां पे ये जरूरी भी चीज है, तो ये ध्यान में रख सकते हो कि एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज तो होती हैं, वो हाफ हो जाती हैं। क्लियर, ओके।